हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और उसमें भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है ग्रुप ग्रुप थ्योरी। ठीक है, लेकिन ये ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए। हमारे जो नए बैचेस हैं यूजीसी नेट के लिए, गेट के लिए और सी एस आई आर नेट के लिए, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के लिए वो स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ बैचेस जो हैं स्टार्ट भी हो चुके हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में ही क्लासेस अवेलेबल हैं। ऑफलाइन बैचेस जो हैं हमारे भोपाल और रांची सेंटर के लिए हैं, ऑनलाइन बैचेस आप जो हमारे ऐप के थ्रू कर सकते हैं। फर्दर डिटेल के लिए आप ये जो नंबर दिए हुए हैं स्क्रीन पर, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ अब चलिए हम लोग अपने टॉपिक की बात है। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हमें क्या देखना है, आज देखना है हमें ग्रुप थ्योरी। ठीक है, तो ग्रुप थ्योरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसका एप्लीकेशन बहुत जगह है। ठीक है, इनफैक्ट बाकी को तो छोड़िए, अगर आप सोशियोलॉजी की बात करेंगे, समाजशास्त्र, ग्रुप थ्योरी की एप्लीकेशन यहाँ भी है। ठीक है, बाकी इंजीनियरिंग हमारे सब्जेक्ट तो है ना, तो यहाँ पे हम लोग आज जो देखने वाले हैं बेसिकली एक ग्रुप क्या होता है, एक किसी सिस्टम को ग्रुप बनने के लिए कौन कौन से नेसेसरी कंडीशंस हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन कुछ कन्वेंशन, सबसे पहले क्योंकि ये हम लोग यहाँ नंबर सिस्टम की बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट, तो एन जो है हमारा नेचुरल नंबर है, कैपिटल से दिखाते हैं इसे, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये सेट 0, 1, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, डब्ल्यू हमारा होल नंबर है, सॉरी नेचुरल नंबर हमारा, इसमें जीरो नहीं आता, होल नंबर में हमारा जीरो से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2। ठीक है, इसे मिटा देता हूँ, अदरवाइज कन्फ्यूजन होगा। फिर आते हैं इंटीजर्स पे, इंटीजर को आप जेड से डिनोट करते हैं। इसमें क्या है, जीरो भी होगा, ठीक है, इधर वन भी होगा, टू भी होगा, और इस तरफ -1, -2 एंड सो ऑन। मतलब इसमें इधर पॉजिटिव वैल्यूज, इधर नेगेटिव वैल्यूज, और जीरो भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, इसे हम लोग इंटीजर बोलेंगे। क्यू जो हमारा रेशनल नंबर है, कोई भी नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अदरवाइज क्या होगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा, उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। फिर हमारा रियल नंबर्स आर डेसिमल वाले वैल्यूज। ठीक है, हमारा जो मतलब है यहीं तक है, रियल नंबर्स तक हम नहीं जाएंगे, लेकिन ठीक है, बेसिकली हमारा जेड और एन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हम लोग यूज करेंगे अपने फर्दर डिस्कशन में। अब चलिए हम लोग आगे आते हैं। नाउ हमें एक टर्म जानना है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर किसे बोला जाता है पहले, तो इस प्रॉपर्टी के डिस्कशन से पहले आपको पहले बताना पड़ेगा कि हमारा डोमेन क्या है, मतलब जहां से वैल्यू उठ के आएंगे। तो सपोज हमारा डोमेन जो है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, मतलब हम इसमें जीरो नहीं काउंट कर सकते। अच्छा, क्लोजर का मतलब है इन जनरल आप कोई दो नंबर यहां से उठाइए नेचुरल नंबर से। सपोज आपने लिया 5 और आपने लिया 8। अच्छा, हमारा सेट क्या है, डोमेन एन है। अब उसके साथ हम एक ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि प्लस, हमारा एडिशन का ऑपरेशन है। ये जो एडिशन का ऑपरेशन है नेचुरल नंबर पे क्लोज कब कहा जाएगा, कि अगर हम कोई भी एट रैंडम कोई भी दो नेचुरल नंबर को ले और उनको ऐड करें, तो जो हमारा रिजल्ट है वो अगेन इसी सेट से हो नेचुरल नंबर से, देन वी से एन इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। ठीक है, और इसे हम लोग ग्रुप थ्योरी में
क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्या एन के केस में सेटिस्फाई होगा? बिल्कुल होगा। आप कोई भी नेचुरल नंबर उठा के देखें, 140 प्लस 100 जो हमारा रिजल्ट आएगा 240 आ रहा है, जो कि अगेन एक नेचुरल नंबर। ठीक है, नाउ इसी टर्म में आप देखें एन क्या सब्ट्रैक्शन के साथ क्लोज्ड है, तो आप बोलेंगे कि चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। आपने नंबर लिया 5 माइनस दूसरा नंबर लिया 2, रिजल्ट क्या है? 3। ठीक है, 3 जो है अगेन एक नेचुरल नंबर है। चलिए यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप 2 में से 6 को माइनस कर, 2 में से 5 को माइनस कर दें तो रिजल्ट आएगा -3, और जो नेगेटिव नंबर है ये आपके नेचुरल नंबर पे बिलोंग नहीं करता। तो हम ये नहीं बोल सकते कि एन माइनस जो है ये क्लोज है, एन माइनस जो है ये क्लोज नहीं है। लेकिन अगर हमारा डोमेन जेड होता, जेड क्या है हमारा इंटीजर्स है, जेड माइनस, क्या ये क्लोज है? तो आप बोलेंगे चलो दो ऑप्शन, दो नंबर लेते हैं पहले जैसा, 5 माइनस 2 ये क्या है? 3। 2 माइनस 5 माइनस 3, क्या ये 3 और -3 जेड में बिलोंग करता है? तो यस, इस टाइम करता है। ठीक है ना, तो जेड माइनस के साथ क्लोज है जबकि एन माइनस के साथ क्लोज नहीं है। ठीक है, आपको ये बहुत बेसिक चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये हमारा क्लोजर का मीनिंग था। नाउ अब हम लोग आते हैं, हम लोग समझने में भी ज्यादा फोकस करेंगे, डेफिनेशन वगैरह बाद में देखेंगे। ठीक है ना, सपोज हम बोलते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, सपोज जी, और जैसे हमने यहां पे प्लस और माइनस लिया था उसके बदले यहां पे लिया जाता है स्टार। ठीक है, ये स्टार कुछ भी हो सकता है, हमारे केस में पहले वाले केस में क्या था? प्लस था, ये माइनस है, एक्चुअल में मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है, डिविजन भी हो सकता है, कोई भी ऑपरेशन जो है जो आप उस पर डिवाइड करें हो सकता है। इन जनरल हम उसे स्टार से दिखाते हैं, और जी आपका डोमेन के लिए हो गया क्योंकि यहाँ ग्रुप है जी, तो हम बोलते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे कोई भी अलजेब्रिक सिस्टम जी स्टार, इसे आप ग्रुप तब बोलेंगे जब ये चार कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, जिसमें पहला कंडीशन है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, जो कि हमने जस्ट डिस्कस किया। दूसरा कंडीशन है एसोसिएटिविटी, ठीक है, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सॉरी वो भी डिस्कस करते हैं ये होता क्या है। तीसरा जो है उसे बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, जनरली हम इसे बाद में ई से दिखाएंगे, डिपेंड क्या करता है हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है। इसके बाद हम लोग बोलेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो ये जो चार कंडीशन है, एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं जो ग्रुप में तो नहीं है लेकिन हमारे क्वेश्चन में फ्रिक्वेंटली आता है, वो है कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए, अगर ये पहला क्लोजर हमने देखा, क्लोजर पहला कंडीशन, और इसी हिसाब से बढ़ेंगे, रैंडम आप सीक्वेंस को चेंज नहीं करेंगे, अगर कोई अलजेब्रिक सिस्टम क्लोज्ड भी हो और एसोसिएटिव भी हो तो उसे हम नाम देंगे सेमी ग्रुप का। क्या बोलते हैं उसे? सेमी ग्रुप। लेकिन वो क्लोज्ड भी हो, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा हो, एसोसिएटिव भी हो, साथ ही उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता हो, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता हो, इसे हम नाम देंगे मोनोइड का। क्या बोलेंगे इसे? मोनोइड। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखनी चाहिए, एग्जाम में कभी भी आ सकते। नाउ फाइनली ग्रुप होने के लिए अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई,
सिस्टम जो है हमारा एसोसिएटिव भी सेटिस्फाइड है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी हमारा एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, और इनवर्स भी उसका हो, तो आप बोलेंगे कि जो सिस्टम है ये हमारा ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो ग्रुप होने के लिए इन चार प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है, सेटिस्फाई करना जरूरी है, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। लेकिन इसके अलावा कॉम्यूटेटिव चाहिए नहीं, लेकिन अगर ये हो गया उस पे, तो उसे एक नया नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप। क्या बोलते हैं इसे? अबेलियन ग्रुप। ठीक है, अगर इनके साथ अगर ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता, देन इट इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप। ठीक है, क्लियर? अभी जिनको मान लीजिए थोड़ा डाउट हो रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, तो आप ना स्टिक करें, मतलब लेक्चर के साथ चलें, धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगी। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान में देने वाली क्या है, थोड़ा पेशेंस बनाए रखना पड़ता है। जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की है, जैसे ग्रुप हो सकता है कोई पहली बार देख रहे हैं, और वो चाहेंगे कि 10 मिनट में वीडियो लेक्चर देके समझ जाए, तो ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप उसके साथ जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और लोग डिस्कस करेंगे कि ये ग्रुप कैसे है। तो पहला हम लोग बोलते हैं एन प्लस के साथ, ठीक है, स्टार के बदले क्या है, वहां था जी और स्टार, जी के बदले हमने लिखा एन और ये स्टार के बदले है प्लस, मतलब हमारा डोमेन जो है नेचुरल नंबर, और जो ऑपरेशन है वो क्या है, एडिशन। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए भाई ये ग्रुप है कि नहीं है, और नहीं भी है या है भी, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लोजर की, क्लोजर मस्ट है, पहला आप यही चेक करेंगे। ठीक है, तो आप एट रैंडम कोई भी नेचुरल नंबर उठाएं और उसे किसी दूसरे नेचुरल नंबर के साथ ऐड करें, तो जो हमारा रिजल्ट है ये अगेन नेचुरल नंबर ही होगा इन जनरल। ठीक है, जैसे हमने एक 30 लिया, ये नेचुरल नंबर है, 3 नेचुरल नंबर है, ऐड करने पे क्या है, 33। तो आप कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर दे आर इनफाइनाइट। ठीक है, आप सबको तो चेक नहीं कर सकते, लेकिन इन जनरल आप ये देख सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा सेटिस्फाई है। नाउ अब हम लोग चेक करेंगे इसमें क्या ये एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव का मतलब है अगर एक नंबर है ए बी प्लस सी, ठीक है, ये तीनों हमारे नेचुरल नंबर में है, ए बी और सी, ये तीनों जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं। ये अगर बराबर हो ए प्लस बी प्लस सी के, आप ब्रैकेट को माइंड करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है, पहले यहाँ बी प्लस सी होगा, यहाँ ए प्लस बी पहले ऐड होगा, अगर ये दोनों बराबर है देन वी से कि जो हमारा ये प्लस है ये एसोसिएटिव भी है। तो क्या एसोसिएटिव होगा, तो आप चेक करिए, और इन जनरल सबके लिए देखना है। तो मान लीजिए हम ये लेते 3 लेते हैं, ये 4 और 8, इसको ऐड करने पे कितना आएगा, 12 और 3 15, इसका रिजल्ट आ रहा है 15। इसी तरह यहां करेंगे पहले क्या आएगा, 3 प्लस 4 प्लस 8, ये क्या आ रहा है, 7 प्लस 8 अगेन 15। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं, ये किसी भी 3 नेचुरल नंबर ए बी सी के लिए सेटिस्फाई होगा। तो हम बोलेंगे कि जो एन प्लस है ये एसोसिएटिव भी है। क्या है ये, इट इज एसोसिएटिव एज वेल, एसोसिएटिविटी इज सेटिस्फाइड। क्लियर? नाउ हमने क्या कहा था, कोई भी सिस्टम क्लोज्ड भी है एसोसिएटिव भी है तो सेमी ग्रुप तो बन गया, तो हम यहां तक पहुंच गए, ये सेमी ग्रुप है। ठीक है, नाउ अगला क्या चेक करना है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर जो है हमारा ये 1 से स्टार्ट होता है, हम वो जानते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स आते हैं,
अब आइडेंटिटी का मतलब है आप कोई भी नेचुरल नंबर ले, सपोज 5। हमारा जो अभी जो ऑपरेशन है वो क्या है, प्लस। इसमें एक ऐसा एलिमेंट आपको ढूंढना है कि उसमें उसको प्लस करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है यही है 5। जैसे हम अगर 7 लेते तो आपको ऐसा एलिमेंट ढूंढना है कि रिजल्ट जो है 7 है। ठीक है, क्या ऐसा एलिमेंट एन में एग्जिस्ट करता है? अब ध्यान से सोचें जरा, ठीक है, वीडियो को पॉज करें और ध्यान से सोचें, उसके बाद फिर से अनपॉज करके देखें। आप देखेंगे कि एन जो है 1 से स्टार्ट होगा। अगर यहाँ जो एलिमेंट है उसके साथ 5 को ऐड करने पे 5 ही आना चाहिए तो पक्का है कि ये आपका 0 होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये 0 जो है नेचुरल नंबर में आता ही नहीं है, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं। सिमिलरली 7 में ऐसा क्या ऐड करें कि प्लस करने के बाद वो 7 ही आए? वो चीज़ है 0। 0 आपका नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाला जो कंडीशन है ये हमारा जो है ये फेल कर जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर एन जो सेट है हमारा एन विथ प्लस, ये हमारा ग्रुप नहीं है। क्लियर? अब चलिए आगे आते हैं। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लें और डिस्कशन को स्टार्ट करें। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा यहाँ तक, ठीक है ना? अब हम लेते हैं जो हमारा डोमेन है वो है जेड। हमारा ऑपरेशन जो है प्लस ही रहने देते हैं। जेड क्या हमारे इंटीजर्स है? जेड में क्या क्या आते हैं? 0, 1, 2। पॉजिटिव साइड में भी और नेगेटिव साइड में भी, ठीक है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, हमारा जो ऑपरेशन है वो प्लस ही है। तो देखिए, क्लोज्ड होगा क्या? प्लस के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी? यस। आप कोई भी इंटीजर लें, जैसे -2 भी ले लें, प्लस करें 5 तो रिजल्ट क्या आएगा? 3। ये हमारा अगेन इंटीजर है, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। कुछ भी ले लें, 50 प्लस 100, 150, अगेन ये इंटीजर ही है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो जाएगी। नाउ अब आते हैं एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी में क्या है, आपने लिया 3 एलिमेंट a+b+c। पहले आप करेंगे a+b, अगर ये बराबर हो जाए इसके तो बोलेंगे ये एसोसिएटिव है। ठीक है, अब आप कुछ भी लें, 5 + 8 + 10, ठीक है, = 5 + 8 + 10। रिजल्ट क्या आएगा? 8 + 5 = 13 और 10 = 23, 23। ठीक है, ये भी क्या आएगा? 18 + 23 = 23। क्या ये हमेशा सेटिस्फाई होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है ना, आप इसे चेक कर लें। तो हम क्या बोलेंगे, जेड प्लस के साथ एसोसिएटिव कंडीशन को, प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, नाउ हम लोग यहां पे कहां अटके थे? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब इसमें आएंगे हमारा जो मेन कंडीशन, जहां पे हम पहले वाला फेल कर गया था, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से दिखाएंगे। अभी मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं ले जा रहा, अभी इतना कर दे रहे हैं कि आप लोग का बेस क्लियर हो जाए, सो दैट क्वेश्चन जो है, या लिखा भी होगा थोड़ा घुमा के। जनरली क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो होती है टफ होती है, और टीचर जो आपको पढ़ाता है उसका लैंग्वेज इजी होता है, सो दैट आप क्लास में तो आसानी से समझ जाते हैं।
लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो पहले आप इसे समझ लें, उसके बाद हम लोग जब क्वेश्चंस देखेंगे तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, नाउ आइडेंटिटी एलिमेंट को सपोज हम ई से दिखा रहे हैं, हमारा ऑपरेशन क्या है, जेड के साथ प्लस है। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब है अगर एक एलिमेंट फाइव इस जेड से बिलोंग करता है, फाइव हमारा जेड से है, तो यहाँ पे ऐसा क्या एलिमेंट ने इसके साथ प्लस करने पे फाइव दिया है, तो जाहिर सी बात है हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा जीरो। क्या जीरो जेड में बिलोंग करता है? यस, जीरो जेड में बिलोंग करता है। माइनस टेन, ऐसा क्या ऐड करें कि रिजल्ट हमारा माइनस टेन ही रहे? अगेन जीरो। ठीक है, तो आप तुरंत ही वेरीफाई कर सकते हैं कि जेड प्लस के केस में जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट विल बी जीरो। यहां आइडेंटिटी एलिमेंट जो है एग्जिस्ट कर रहा है, और जैसे ही आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ये एक स्टेप आगे बढ़ गया, ये क्या हो गया, ये जो सिस्टम है ये अब तक मोनोइड हो चुका है। ठीक है, हमने कहा था ना शुरू में क्लोज्ड, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता हो तो ये मोनोइड हो चुका है। अब अगर इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा तो ये हमारा ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसका मतलब है आप कोई एक जेड से एलिमेंट ले फाइव, इसमें क्योंकि प्लस दिया हुआ है, रैंडम मैंने प्लस नहीं लिखा, हमारे क्वेश्चन में जेड प्लस है। ठीक है ना, इसे वेरीफाई करना है, इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि हमारा जो रिजल्ट है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसलिए हम लोग पहले क्या बोले, इस सीक्वेंस पे चलेंगे, हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है वो है जीरो। ठीक है, तो हमारा क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जो फाइव में ऐड करने पे जीरो आ जाए, तो आप थोड़ा सा सोचिएगा, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा यस दैट एलिमेंट एग्जिस्ट विच इज माइनस फाइव। ठीक है, क्या माइनस फाइव जेड में है, बिलोंग करता है? यस, माइनस फाइव इंटीजर है और इंटीजर जो है माइनस फाइव जेड में बिलोंग करता है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप टेन ले लें तो टेन में ऐसा क्या ऐड करें कि रिजल्ट जो है आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए विच इज जीरो, अगेन आपका आंसर आएगा माइनस टेन। थोड़ी देर में आप वेरीफाई कर लेंगे कि यस हर एक इंटीजर के साथ एक ऐसा एलिमेंट आपको मिल जाएगा जिसके साथ ऐड करने पे आपका रिजल्ट जो है आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो जेड प्लस किन किन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी को, ये सेटिस्फाई कर रहा है एसोसिएटिविटी को, ये सेटिस्फाई कर रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को, और यहां पे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी है। तो क्या हम इसे ग्रुप बोल सकते हैं जेड प्लस को? यस, इट्स ए ग्रुप। ठीक है, क्लियर। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इससे आगे करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसे जरूर वेरीफाई करके रखें, याद करके रखें, समझ के रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही वीडियो लेक्चर आपको फर्दर आगे मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।